What's up guys, Jordan Gamer here. मेरा नाम है फ्रैंकलिन. वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ GTA 5. तो गाइस पिछले एपिसोड में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम लोगों ने गाइस अपने वाइट टाइगर माइकल के कब्स देखे थे, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्यारे और बहुत ज़्यादा बढ़िया थे. उन्होंने दोस्तों शिकार के लिए बहुत ही गंदी तरीके से एक हाथी को भी मार रखा था, और वो भी जंगल में दोस्तों हम लोगों ने फाउंड किया था माउंट चिलियाड के जंगल में. रेलवे स्टेशन यानी दोस्तों उसकी जो पटरियाँ होती हैं उसकी जस्ट नीचे एक गुफा टाइप बनी हुई थी. फिलहाल दोस्तों अभी आज हम खेलने वाले हैं फ्रैंकलिन से, और आज का जो वीडियो का टॉपिक आप लोग को पता लग ही गया होगा, आज हम लोग दोस्तों इसमें फाइंड करने वाले हैं चॉप को. अब आप लोगों ने बहुत समय से देखा होगा गाइस बिना चॉप के कैसे हम लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो देख पा रहे हो ये जो चॉप का घर है, हम लोगों ने चॉप को खो दिया है. फिलहाल आज उसको हम जो है रेस्क्यू मिशन पर निकल चुके हैं. आज हम चॉप को कैसे ना कैसे करके ढूंढने वाले हैं, लेकिन फ्रैंकलिन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि भाई वो कैसे यार चॉप को ढूंढेगा. ऊपर की तरफ में आप लोग आके देख सकते हो यहाँ पर जो रूम है, जो पूरा का पूरा रूम है, यहाँ पर भी दोस्तों अंदर हम लोगों ने एक उसके लिए रख रखा था. फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि पूरी जो हड्डी वगैरह उसकी, जो खाने का सामान है उसका, सोने वगैरह का जो आइटम है, वो भी सब कुछ यहीं पर अकेला पड़ा हुआ है, लेकिन चॉप का कोई भी ठिकाना नहीं है, ठीक है? तो ये एक बहुत ज़्यादा बेकार लगता है मुझे, और फिलहाल मैं अपने चॉप को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ. अगर आप लोग भी मिस कर रहे थे चॉप को बहुत दिनों तक पहले, तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बता देना गाइस, कमेंट करो और ज़रूर से मेरे को बता दो, ठीक है? फिलहाल अभी मैं दोस्तों ये वाली बाइक लेके डायरेक्ट जाने वाला हूँ सीधा ट्रेसी को लेने के लिए एयरपोर्ट पर, ठीक है? अब वो एयरपोर्ट सैंडी शोर का एयरपोर्ट है. वो अभी दोस्तों जो है हेलीकॉप्टर चलाना सीख रही थी, क्योंकि गाइस उसके हम लोग इतने अमीर हैं, हम लोग इतना अफोर्ड कर सकते हैं, तो अभी हम लोग उसको जो है लर्निंग स्टेज पे थी. और वहीं पर दोस्तों फिर जो है मेरे को लेस्टर के पास जाना है, और लेस्टर से पूछना है कि हम लोग चॉप को कैसे फाइंड कर सकते हैं और कैसे हम लोग दोस्तों जो है उसको बचा सकते हैं. फिलहाल चॉप को देखे हुए अरसा बीत गया है गाइस, साल हो चुका है हम लोगों ने चॉप को नहीं देखा है, और आप लोगों ने भी वीडियो में मेरे काफ़ी लेट देख रहे होंगे चॉप को. तो गाइस चॉप की क्या एज हो गई होगी, कैसा दिखता होगा चॉप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. और चॉप को हम लोग कैसे बचा पाएंगे, कहां पर हम लोगों को चॉप मिलेगा, वीडियो को प्लीज़ बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. हम लोग आ चुके हैं मेन हाईवे पर, और यहीं पर से दोस्तों जो रोड जाता है वो जाता है सैंडी शोर को, और सैंडी शोर में ही दोस्तों जो है वहाँ पर अपने पास काफ़ी तगड़ी लग्जरी कार का कलेक्शन भी है, और साथ में दोस्तों हम लोग वहाँ पर जो है ट्रेसी को लेने भी जा रहे हैं, ठीक है? तो जल्दी से गाइस ट्रेसी को लेके जाता हूँ, और उसके बाद हम लोग टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस उसके बाद मुझे वहीं से मैं चला जाऊँगा लेस्टर के घर पर, और लेस्टर से पूछ लूँगा कि भाई लेस्टर क्या तरीका है जिससे हम लोग चॉप को जो है फाइंड कर सकते हैं. फिलहाल दोस्तों जल्दी से चलते हैं, ट्रेसी को लेके आ जाते हैं. और वाइट कप्स के दोस्तों दो जो आप लोगों ने बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं, जो आप लोगों ने पुराना वीडियो हम लोग का जस्ट इसके पिछला मैंने वीडियो अपलोड किया था, रोज़ाना मैं दोस्तों रोज़ाना मैं वीडियो शार्प एट 11 AM अपलोड करता हूँ, तो आप लोग जरूर से 11 AM एक बार चेक कर लिया करो, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता होगा और आप लोग जाके उसको जो है वॉच कर सकते हो, ठीक है? तो कल का वीडियो जिसने नहीं देखा है प्लीज़ इस वीडियो के बाद जाके और विजिट कर सकते हैं, और जो इस चैनल पर न्यू हो तो गाइस ऐसी मैं लगातार वीडियो डालता रहता हूँ, तो आप लोग जो है इस वीडियो को, फिर उस वाली वीडियो को, और जाके हमारी पुरानी वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? तो जल्दी से जाता हूँ, ये रहा गाइस हैंगर, और हैंगर पर हम लोग बातें करते करते आ चुके हैं, और ये देखो गाइस ट्रेसी वहाँ से निकल के आ रही है, और ट्रेसी मेरे साथ अभी पीछे बैठ जाएगी. तो जल्दी से मैं इसको वहीं से लेके जाऊंगा गाइस लेस्टर के घर पर. हम लोग बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि चॉप को दोस्तों कैसे ना कैसे करके मुझे फाइंड कर ही लेना है, ठीक है? तो अभी जल्दी से दोस्तों जो है फ्रैंकलिन एंड ट्रेसी जाने वाले हैं. तो फिलहाल अभी बूस्ट काफ़ी तगड़ा हम लोगों ने दे रखा है, और आज बहुत दिनों बाद, मतलब गाइस जब से हम लोगों की शादी हुई है, आप लोग को पता नहीं है दोस्तों, तो आप लोग जो आके पिछला वीडियो देख सकते हो कि फ्रैंकलिन और ट्रेसी हम लोगों ने बहुत पहले 6 से 7 महीने पहले हम लोगों ने जो है उनकी शादी करवा दी थी. तो गाइस अगर आप लोगों ने वो वाला भी एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना. और उसके बाद हम लोग बहुत दिनों बाद गाइस ऐसे राइड कर रहे हैं दोनों साथ में मिलके, नहीं तो गाइस हम लोग लग्जरी कार वगैरह राइड करते थे, जैसे कि हमारी सबसे पहली कार थी लैम्बोर्गिनी यूरस. तो यूरस गाइस दोस्तों बहुत ज़्यादा तगड़ी कार है, लैम्बोर्गिनी की परफेक्ट SUV, और बोल सकते हो दोस्तों वर्ल्ड्स फास्टेस्ट SUV लैम्बोर्गिनी यूरस है. उस पर दोस्तों हम लोगों ने गोल्डन कलर की सबसे पहले हम लोगों ने राइड की थी, और ऐसे भाई हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है जिसमें हम लोगों ने बाइक में ऐसे राइड की हो दोनों मिलके. तो फिलहाल हम लोग लेस्टर के घर पे पहुंच चुके हैं, लेस्टर से जाके बात कर लेते हैं. तो गाइस जल्दी से मैं ऊपर की तरफ मैं जाता हूँ, तो ये रहा गाइस लेस्टर, जल्दी से मैं इससे डील कर लेता हूँ और पूछता हूँ कि भाई कैसे मुझे फाइंड कर सकते हैं. तो ओके गाइस
लेस्टर ने पूरा प्लान बता दिया है। अब लेस्टर को ये तो पता नहीं है कि भाई चॉप कहाँ है, लेकिन उसने एक इतना अच्छा प्लान बताया है जिससे हम लोग जो है पता लगा सकते हैं चुटकी बजा के कि भाई चॉप है किधर। अब आप लोगों को पता होगा हमारा एक कैरेक्टर है GTA 5 में बाबा, ठीक है। बाबा जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब पावर से लैस है, मतलब उसके पास पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जल्दी से गाइज उसको जो है हमें बचाना पड़ेगा बिलास गैंग से, क्योंकि अभी उस पर बिलास गैंग का अटैक हो चुका है। और बाबा, जैसे कि आप लोगों को पता है, ट्रेवर एंड माइकल काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं, ठीक है। उन लोगों को बोला गया कि भाई मुझे बचा लो, लेकिन माइकल एंड ट्रेवर दोनों में से कोई नहीं आया। इसलिए लेस्टर ने मुझे फ़ोन किया था पर्सनली कि प्लीज़ तुम जो है जाके बाबा को बचा लो, अदरवाइज़ वो हमारी नेक्स्ट टाइम से हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेगा। और जब तुम उसे बचा लोगे तो तुम उससे अपनी जो है चॉइस मांग सकते हो कि भाई प्लीज़ मुझे चॉप का जो है पता बता दो, तो वो अपनी तुम्हें पावर वगैरह से कुछ बता देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे करके हम लोग जो है चॉप का पता करने वाले हैं, मतलब गाइज हम लोग किसी की मदद करेंगे, बदले में दोस्तों मुझे जो है चॉप का पता मिलने वाला है। अब कैसे मिलने वाला है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा जादुई बाबा है। फिलहाल अभी वक्त आ चुका है, ट्रेसी तुम घर पर जाओ, ट्रेसी को मैं जल्दी से घर पर छोड़ देता हूँ, उसके बाद नई अपनी कार निकालता हूँ, फिर जाता हूँ बाबा के घर पर। तो जल्दी से इसे छोड़ देते हैं। तो ओके गाइस, अभी मैंने जो है यहाँ पर ट्रेसी को छोड़ दिया है। फिलहाल अपनी जो है ब्लू और वाइट कलर के कार के कॉम्बिनेशन में आप लोग देख पा रहे वाली जो कार है, बफेलो नाम है इस कार का, ठीक है। काफ़ी तगड़ी और फास्टेस्ट कार है, मतलब अभी आप लोग देख पा रहे हो उसकी जो स्पीड है ना, वो दिखती बस ऐसी है। और एक तो इन दोनों का ना झगड़ा काफ़ी तगड़ा चलता रहता है, तो आज इनका मैं क्रियाक्रम कर ही देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों जो है दोनों को मैंने यहाँ पर मार दिया है, अब ना लड़ेंगे, यहाँ से लड़ते हैं तो वहाँ तक कुछ सुनाई देता है, इतना लोग लड़ते रहते हैं लोग, ठीक है। तो मैंने इनका जो है बिल्कुल आज जो है स्पीकर ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो अभी जल्दी से ये वाली कार को मैं डायरेक्ट बाबा के घर पर लेके जा रहा हूँ। और बाबा कौन है, अगर आप न्यू व्यूअर्स तो आप लोग अभी बाबा को देख सकते हो, बाबा काफ़ी ज़्यादा जादुई है। वो क्या हम लोगों को बताने वाले हैं, उससे पहले मुझे बिलास गैंग से उसे बचा लेना है, ठीक है। क्योंकि गाइस बिलास गैंग जो है अब हम लोग तीनों को चारों को टारगेट कर रही है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा आए टाइम दोस्तों हम लोग जो है बिलास गैंग से दुश्मनी पड़ती और तगड़ी होती जा रही है, ठीक है। लॉस्ट गैंग का लीडर तो मर ही गया है, तो इसलिए भाई ट्रेवर ने उसे संभाली रखा है। लेकिन गाइस बिलास गैंग है जो, वो माइकल से दिन पर दिन पंगे लेती जा रही है। जितनी भी इंडियन कार्स थी उसकी सारी की सारी डिस्ट्रॉय कर दी थी, जितने भी वाइट टाइगर्स थे उसमें से कम 5 से 6 ब्लास्ट कर दिए थे ऑन द स्पॉट मेरी आंखों के सामने, ठीक है। तो उसके कारण से दोस्तों पता लगा कि भाई बाबा से भी उनका कोई कनेक्शन है, और ये इतना बड़ा घर देख के पहाड़ों के साइड पर वो यहाँ पर आ चुके हैं। अगर मैं कैमरा दिखाऊं आप लोगों का इस, तो यहाँ पर देखो कितने ज़्यादा बंदे यहाँ पर खड़े हो चुके हैं, पूरी की पूरी ऐसे लग रहा है भाई बिलास गैंग की सिक्योरिटी यहाँ पर लगी हो बाबा के घर पर। लेकिन मैं नहीं चाहता गाइस कि उस बाबा को कुछ भी हो, नहीं तो हमारे भाई चॉप का भी कोई पता आता पता नहीं लगेगा। और चॉप के भाई को मैं काफ़ी बहुत जल्दी से और बहुत बुरी तरीके से चाहता हूँ, बहुत बैडली चाहता हूँ भाई चॉप हमारे घर पर वापस आ जाए, क्योंकि गाइस वो हमारा एकमात्र कुत्ता था, जो कि दोस्तों ऐसा डॉग जो कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग उससे जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने उसको छोटे से पाला था। अगर आप लोगों ने वो कहानी नहीं देखी तो ज़रूर से देख लेना। फिलहाल पहले बिलास गैंग को मैंने मार के काफ़ी बड़ी गलती कर दी, और जिसके कारण से गाइस सारे के सारे बिलास गैंग वाले जो हैं वो एकदम से दोस्तों जो है मेरे ऊपर हावी हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले कवर ले लेना है, क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहता मेरा जो आर्मर है वो बहुत जल्दी फट जाए और हमें जो है काफ़ी तगड़ा नुकसान हो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जितने भी बिलास गैंग हैं उन सबको हमें यहाँ पर किल करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है फुल फोकस और बिल्कुल अपनी जो है ब्रेथ रोक ली है। सांस रोक के दोस्तों काफ़ी तगड़ा कंसंट्रेशन होता है, लेकिन जब तक बंदा आगे है ज़्यादा रोक के रखोगे तो भाई मर भी जाओगे। तो फिलहाल अभी यहाँ से तो कोई नहीं आ रहा है, तो आगे की तरफ मैं चलते हैं। तो गाइस देखते हैं यहाँ पर और कौन कौन से बंदे हैं यहाँ पर जो हमारे साथ पीछे खड़े हुए हैं। तो अभी आप लोग देखो गाइस, यहाँ पर एक बंदा ये रहा, सबसे पहले इस टकले को मैंने मारा, दूसरे को इसको मार दिया, और तीसरे को इसको यहाँ पर किल कर दिया है। ऊपर जितने भी बंदे बचे हैं उन्हें ऊपर ही रहने दो, अभी वो दोस्तों सोच रहे हैं। ये रहा गाइस बाबा हमारा, आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रखा है, बोल रहा था भाई मुझे कोई भी नहीं बचाने आया, थैंक्स फ्रैंकलिन तुम्हारी वजह से मैं बच रहा हूँ। एक तो इसका गंजा फाड़ दो सबसे पहले मैं, कि सारे के सारे जितने भी बास्केटबॉल प्लेयर हैं ना यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो पर्पल गैंग के, ज़्यादा यूज टू प्ले हमेशा अब दोस्तों बास्केटबॉल ही खेलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत इनको कह दिखाऊंगा, जल्दी चल बेटा नीचे, देर को तो मैं नीचे ही लपटाता हूँ। और यहाँ पर आया और ले भाई इसके सीधा मैंने मुंह पे जो है कुल्हाड़ी मार दी है। अब ऊपर वाले बंदों को मेरे को कैसे मारना है, कारबीन राइफल को अपनी निकाल लेनी है, एक जंप ऊपर लेनी है और इनको जो है मारना शुरू कर देना है। फिलहाल आर्मर दोस्तों जो है ऑलमोस्ट फट चुका है, क्योंकि गाइस इतनी गोली सहनी की उसमें जो है क्षमता नहीं है। लेकिन फिलहाल हमारे भी चारे जितने बंदे थे वो भी ऑलरेडी मर चुके हैं, जो हमारा जो मेन काम था वो भी हमने जो है कर लिया है। तो फाइनली गाइज मैंने जो है सारे के सारे बिलास गैंग मार दिए हैं,
और यहाँ पर फाइनली हमने बाबा को जो है बचा लिया है। अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या, अच्छा अच्छा बेटा एक और बंदा बचा हुआ है तो मेरे ख्याल से वो नीचे है, ठीक है। तो अभी जल्दी से जाता हूँ, नीचे वाले बंदे को किल करता हूँ और उसके बाद बाबा से हम लोग जो है पूरी की पूरी बातें सुन लेंगे कि भाई कैसे हम लोग ओपे भाई गलत निशाना मार रहा है फ्रैंकलिन, यार तेरा आर्मर फट जाएगा तो मर जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो है फाइनली ये वाला बिलास गैंग भी किल हो चुका है। तो हम लोग बाबा के पास आ चुके हैं, बाबा हम लोग बच गए हैं। तो गाइस बाबा जो है काफ़ी तगड़ा खुश हो गया, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि भाई तुम ही वो बंदे हो जो तुमने मुझे बचाया। अब जल्दी से गाइस इनसे जो है पूरी की पूरी मेरे को जो है वो ले लेनी है और पूछ लेना है भाई कि क्या है कैसा कुछ है। तो ओके गाइस फाइनली जो है बाबा ने हम लोगों को जो है बता दिया है चौप का पता, मतलब गाइस बाबा की जय हो। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो बाबा ने जो हमें बताया है वो काफ़ी ज़्यादा दुखद है, मतलब गाइस एक तरह से बात बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ है। चौप दोस्तों जो है वो दोस्तों एक मतलब आप लोग एक तरह से सोच लो डॉग कैचर्स जो होते हैं, ठीक है, जो डॉग को कैच करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पेट्स को लॉस सैंटोस से पकड़ के लेके चले गए थे जब हम लोग घर पर नहीं थे। तो गाइस उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोस्तों चौप को पकड़ लिया था, पूरी की पूरी कहानी एक्सप्लेन की। और ये हमारे लिए कार भी आ चुकी है, जल्दी से मैं कार पर बैठता हूँ और सबसे पहले हेलीकॉप्टर से जाने वाला हूँ और मैप आप लोगों को दिखा दूँ, उसके बाद कहानी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या कहानी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो हमारी जो लोकेशन है वो यहाँ पर उन्हें जो है एक चाल में फेंक के समुद्र के नीचे फेंक दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों बाबा ने बोला कि मैं उसे कैसे ना कैसे करके जिंदा कर दूंगा, तुम वहां जाके उसे पहले देख के तो आओ एक बार, ठीक है। तो देखो बात ऐसी थी कि बहुत दिनों पहले यहाँ पर लॉस सैंटोस में कुछ डॉग कैचर्स आए हुए थे, क्योंकि डॉग्स जो स्ट्रे डॉग्स वगैरह जितने भी थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। अब जिसके कारण हुआ ये कि भाई सारे के सारे जितने भी डॉग्स थे उनको डॉग कैचर्स पकड़ कर ले गए थे, उनमें से भाई हमारा चौप भी था और हमको बिल्कुल भी पता नहीं लगा। और तब तक दोस्तों हम लोगों ने नए नए पिटबुल्स लिए, डोजो अर्जेंटिनो डॉग बाय किए, बीच में हस्की बाय किया, लैब्राडोर बाय किया, तो उसके वजह से दोस्तों हम लोगों को चौप की जो कमी थी वो बिल्कुल भी नहीं खली थी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक छोटा सा घर है, ये दोस्तों बाबा का जो है एक तरह से आप लोग बोलो एफिलिएटेड घर है, ठीक है, एक तरह से। तो जल्दी से गाइज इसके पीछे बाबा ने बोला एक रेड कलर का हेलीकॉप्टर है, तुम उसे लेके जा सकते हो, ठीक है। तो गाइज ऐसे चक्कर में हुआ क्या, अब जल्दी से हेलीकॉप्टर ले लेता हूँ उसके मैं बताता हूँ। तो उसको लेके डॉग कैचर्स लेके चले गए और चॉप ने उसके ऊपर काउंटर अटैक किया, जिसके कारण से उसे काफ़ी तगड़ा गुस्सा आया और उसने क्या किया, डॉग को सीधा पानी में फेंक दिया, उस जाल में फेंक दिया और एक जाल टाइप का बना के ऊपर उसमें कवर करके उसे जो है डॉग को पानी में फेंक दिया है। अब डॉग की क्या एज होगी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन गाइस अभी मैं जल्दी से इस हेलीकॉप्टर को लेके वहां पर जाने वाला हूं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे चॉप की क्या हालत है और उसे रिवाइव करने का जो सिस्टम बताया है हमारे बाबा ने उसको हम लोग जो है वहीं पर रिवाइव करेंगे और उससे मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों सक्सेसफुली मैं उसे घर पर लेके आऊँगा और आप लोग नेक्स्ट एपिसोड से देखना शुरू कर दोगे हमारे चॉप को। लेकिन गाइस एक मिनट, इतनी खुश होने की ज़रूरत नहीं है भाई, मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं हो रहा हूँ। जब तक प्लान सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक भाई मैं किसी चीज़ की खुशी नहीं बनाता हूँ कि भाई सोच सोच के इतनी खुशी हो जाओ, क्योंकि अपना सोचा जो है ना वो बहुत दूर होता है। कभी भी कुछ सोचो तो गाइज उसका रिजल्ट्स मत निकाल लिया करो, हाँ भाई हो ही गया सच में, अब तो मैंने ये सोच लिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्या पता कुछ कॉन्सिक्वेंसेज वहाँ पर हों, कुछ हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, समुद्र काफ़ी ज़्यादा गहरा हो, इसकी सबसे लड़ने की पावर दोस्तों फ्रैंकलिन ने दी है। और उसने ये भी बोला है कि तुम्हारा जो हाथ है तुम्हारे ऊपर है, हमेशा तुम्हारे जो है मैं हेल्प करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी तगड़ी हेल्प प्लस मोटिवेशन दोस्तों बाबा की तरफ से हमें मिला है, जो कि ये काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। तो अभी जल्दी से दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कितना गहरा समुद्र है यहाँ पर दोस्तों, कैसे बाबा ने इसको जो है फाइंड किया, मतलब सच में बाबा की जय हो यार, बहुत ज़्यादा तगड़ा बाबा मिला है हम लोगों को। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग एक आइलैंड टाइप पत्थर पर यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप लोग सोचोगे गाइस इसके नीचे पानी काफ़ी ज़्यादा कम होगा, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा गहरा पानी है। ये पत्थर थोड़ा ऊंचाई में बना हुआ है चट्टान पर, इसलिए थोड़ा उभरा हुआ दिख रहा है, लेकिन गाइस यहाँ पर जो समुद्र है वो बहुत ज़्यादा गहरा, आप लोग देख पा रहे हो, कोई मतलब एंड पॉइंट नहीं है कि कहाँ पर जाके हम लोग रुकेंगे। लेकिन अब मुझे कैसे ना कैसे करके चॉप एंड अदर्स एनिमल को देखना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों जाना है नीचे की तरफ में, ठीक है। और नीचे जाने के बाद गाइस आप लोग खुद ही देख पाओगे, वो देखो एक जंगला टाइप का वहाँ पर रखा हुआ है, उसी के नीचे गाइस जो है काफ़ी तगड़े एनिमल्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब एनिमल्स के बाद यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी है गाइस, उन्हें मुझे कैसे ना कैसे ओ भयंकर, यहाँ पर तो हैमर शार्क, आप लोग देख पा रहे हो हैमर शार्क है यहाँ पर,
लेकिन गाइज ये लगता है कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर रही है, नहीं तो गाइज अभी तक ये ट्राई कर चुकी होती है अंदर तक का। हैमर शार्क के आप लोग देख पा रहे हो दांत कितने ज्यादा खतरनाक है। एक हैमर शार्क को हम लोगों ने दोस्तों वहीं ऑन द स्पॉट मार दिया है, ये देखो चाकू से हम लोगों ने दोस्तों उसको मार दिया है, इसके कारण से वो अभी ऊपर जा रही है। लेकिन हम लोग अंदर जाके चॉप से मिलते हैं और उसके बाद बाहर स्विम करके मैं आप लोगों को मिलता हूँ, और उसके बाद जो भी दोस्तों उस बाबा ने बताया है इसको फ़ोन करके मुझे बताना है, वो यहाँ से दोस्तों जो है प्रोसेस जो है पूरी की पूरी स्टार्ट कर देगा। अब ये देखो गाइज अंदर की तरफ में मैं आता हूँ, यहाँ पर काउ पड़ी है, एक रॉटविलर है, साथ में एक बहुत ज़्यादा ओल्ड एज का कुत्ता भी पड़ा हुआ है, बेचारा काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया था। अंदर एक बार फिर डाइव लेते हैं। अब ये दोस्तों जो मेरी ब्रेथ रोकने की सिस्टम की जो इंक्रीजमेंट हुई है ये भी दोस्तों बाबा के कारण हुई है। तो आप लोग देखो गाइज यहाँ पर कितने ज़्यादा कुत्ते पड़े हुए हैं, और ये वाला अपना चॉप है जो हिल रहा है गाइज, ये देखो गाइज जो पैर वैर हिला रहा है ना, ये अपना चॉप है ठीक है। पट्टा आप लोग बोलोगे ग्रीन कलर का होता है चॉप पे, दोस्तों पानी के रहते हुए पूरा का पूरा सड़ चुका है अच्छी तरीके से, डीकलराइजेशन पूरा हो चुका है और अपना चॉप भी भूरा हो चुका है, यानी कि दोस्तों आर चॉप इज गेटिंग ओल्डर। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, जल्दी से मैं ऊपर की तरफ में जाता हूँ क्योंकि अब मुझसे सांस नहीं रोकी जा रही है, पानी भी काफ़ी ज़्यादा गहरा है, प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो अभी जल्दी से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर तैर तैर के दोबारा से उस आइलैंड में चला जाता हूँ। तो काफ़ी तेज़ स्विमिंग कर रहा हूँ मैं और लहरें मुझे आगे जाने नहीं दे रही हैं। अब कैसे ना कैसे करके दोस्तों मुझे जो है इस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए डायरेक्ट बाबा से कांटेक्ट करना है, उसने बोला उसके बाद काफ़ी तगड़ा स्ट्रॉन्ग वगैरह आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं आया यहाँ पर मैंने बात कर ली है, अब प्रोसेस कुछ देर में स्टार्ट हो जाएगी। तो ओके गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर पूरी की पूरी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी तगड़े मीटियोर्स, यहाँ पर काफ़ी तगड़ा तूफान आ रहा है क्योंकि जब कुछ ऐसे बाबा करता है तो उसका तूफान वगैरह से काफ़ी तगड़ा लेना देना होता है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप जो है वो चौप बाहर आ जाएगा, कुछ उस पर काफ़ी तगड़े जादू वगैरह होंगे और वो हमें जिंदा मिलेगा। लेकिन कैसे, क्या एज हो गई है, कितना बूढ़ा हो गया, वो मैं आप लोगों को ज़रूर से दिखाऊँगा। तो देखते हैं गाइस क्या होता है आगे की तरफ में, थोड़ा वेट करते हैं। ओके गाइस तो यहाँ पर कुछ चमकता हुआ आप लोगों को दिख रहा है, तो गाइस ये चमकता हुआ जो आप लोगों को दिख रहा है यही दोस्तों अपना जो है चॉप की जो डेड बॉडी है वो ऊपर आ चुकी है, आप लोग थोड़ा बहुत देख पा रहे होंगे गाइस ठीक है। अब इसमें देखते हैं आगे क्या होता है। तो ओके गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो दिन खुल चुका है, यानी कि थोड़ा बहुत प्रोसेस और लगने वाला है और फाइनली गाइस हमारा जो है चॉप हमको मिलने वाला है, ये देख पा रहे हो पूरा आधे से ज़्यादा जिंदा हो चुका है और दैट्स डन। फाइनली गाइस हमें जो है अपना चॉप मिल चुका है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ओल्डर मिला है। अब आप लोग देख पा रहे हो इसकी आईब्रोज, इसकी नाक के ऊपर वो वाइट वाइट झुर्रियाँ जो आ चुकी हैं वो इसे दोस्तों जो है ओल्डर बना चुकी हैं। फ्रैंकलिन काफ़ी ज़्यादा खुश है अपने चॉप को पाके। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करवाना था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, लव यू ऑल एंड